बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत खुश और खैर से होंगे। हमारी आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो क्लास फाइव की साइंस के बुक का चैप्टर नंबर फाइव फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर का लास्ट टॉपिक एक्सरसाइज है। हमने अपने लास्ट टॉपिक के अंदर केमिकल चेंजेज इन एवरीडे लाइफ को डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर क्लिक करने से मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज। टिक द करेक्ट आंसर, सही ऑप्शन को टिक करें। द चेंज ऑफ मिल्क इंटू योगर्ट इज़, जब हम दूध को दही में तब्दील करते हैं तो वो कौन सा चेंज है? फिजिकल चेंज है, क्लाइमेट चेंज है, केमिकल चेंज है, चेंज ऑफ कलर है। हमने इसको पढ़ा था कि ये एक केमिकल चेंज है। वाई डिड अ पर्सन पेंट हिज आयरन गेट, कोई शख्स अपने दरवाजे को क्यों पेंट करता है? टू सेव फ्रॉम रस्टिंग, जंग से बचाने के लिए। टू सेव फ्रॉम सनलाइट, सूरज की रोशनी से बचाने के लिए। टू मेक इट ब्यूटीफुल, उसे खूबसूरत बनाने के लिए। टू सेव फ्रॉम वाटर, या फिर पानी से बचाने के लिए। आउट ऑफ दीज विच आंसर इज करेक्ट, इन चारों में से कौन सा आंसर जो है वो ठीक है? वन एंड टू, रस्टिंग से या फिर सनलाइट से। वन एंड थ्री, रस्टिंग और ब्यूटीफुल बनाने के लिए। टू एंड थ्री, सनलाइट से सेव करने के लिए या फिर खूबसूरत बनाने के लिए। वन एंड फोर, सेव फ्रॉम रस्टिंग एंड सेव फ्रॉम वाटर। ऑप्शन फोर इज़ राइट। हम अपने दरवाज़ों को, गेट को इसलिए करते हैं, इसलिए पेंट करते हैं ताकि हम उन्हें पानी से और रस्टिंग से बचा सकें। थ्री इज़ विच फैक्टर विल नॉट अफेक्ट द डिज़ोल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर, कौन सा इनमें से इफ़ेक्ट है जो शुगर को वाटर में डिज़ोल्व करने से उस पर कोई असर नहीं पड़ता? एडिंग साल्ट इन वाटर, वाटर के अंदर हम साल्ट को ऐड कर देंगे, उसके ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा ये बताना हमने। मेकिंग शुगर पाउडर बाय ग्राइंडिंग, या फिर शुगर पाउडर जो है उसको बना लें या फिर उसे ग्राइंड कर लें। हीटिंग वाटर एंड शुगर, वाटर को और शुगर को हीट करें। स्टिरिंग वाटर एंड शुगर, या फिर वाटर और शुगर को स्टिर करें, हिलाएं। ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। मेकिंग शुगर पाउडर बाय ग्राइंडिंग, इससे शुगर इन वाटर में कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई उस पर बुरा असर नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर फोर इज़ विच वन इज़ नॉट अ केमिकल चेंज, इनमें से कौन सा है जो केमिकल चेंज नहीं है? सीड जर्मिनेशन, मेकिंग पेपर बोट, बर्निंग ऑफ वुड, कुकिंग फूड। मेकिंग पेपर बोट ये केमिकल चेंज नहीं है, सीड जर्मिनेशन, बर्निंग ऑफ वुड एंड कुकिंग फूड ये केमिकल चेंजेस हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव इज विच टाइप ऑफ चेंज इज इट व्हेन मेटल एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, ये कौन सी दिल्ली की किस्म होगी जब हरारत दी जाए मेटल्स को? पहले हम ये देखते हैं कि मेटल्स क्या हैं। हमारे पास आयरन, सिल्वर, गोल्ड, ये सब क्या है? मेटल्स हैं। जब हम इनको हीट करेंगे तो ये क्या हो जाएंगी? फैल जाएंगी। तो ये क्या हो, कौन सा चेंज होगा? परमानेंट, केमिकल, फिजिकल, टेम्परेरी। तो ये एक परमानेंट चेंज होगा। क्वेश्चन नंबर टू, राइट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, प्लेन एवेपोरेशन, वेपोरेशन को तफसील से बयान करें, गिविंग एग्जांपल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ, रोज़मर्रा ज़िंदगी से उसकी कुछ मिसालें देकर। द चेंज ऑफ वाटर्स इनटू वेपर्स इज कॉल्ड एवेपोरेशन, फॉर एग्जांपल वेट क्लॉथ्स, गीले कपड़े, वेट फ्लोर्स, गीला फर्श, फ्राम प्लांट्स ईटीसी, ये सब क्या है? इवेपोरेशन की एग्जांपल्स हैं। डिफाइन कंडेंसेशन, कंडेंसेशन क्या है? द चेंज ऑफ गैस इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन, गैस का लिक्विड में तब्दील होना कंडेंसेशन कहलाता है। विच इज रस्टिंग एंड विच टाइप ऑफ चेंज इज इट, रस्टिंग क्या है और ये किस तरह की तब्दीली है? द चेंज that occurs on the surface of iron due to action of oxygen and water is called rusting,
इट इज़ अ केमिकल चेंज, वो तब्दीली जो लोहे की सतह पर आती है ऑक्सीजन और वाटर की वजह से, वो रस्टिंग कहलाता है और ये एक कीमियाई तब्दीली है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंज इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड। आपने किसी केमिकल चेंज की एग्जाम्पल देनी है और बताना है कि उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड क्यों पैदा होती है। बर्निंग ऑफ फ्यूल इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज़ अ केमिकल चेंज। ऑक्सीजन की मौजूदगी में ईंधन का जलना एक केमिकल चेंज है। एंड इन दिस रिएक्शन ऑफ फ्यूल एंड ऑक्सीजन, फ्यूल और ऑक्सीजन के रिएक्शन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज प्रोड्यूस्ड। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। लास्ट क्वेश्चन 5 इज एक्सप्लेन 3 टाइप्स ऑफ मैटर। मैटर की 3 इकसाम बयान करें एंड द इंटर कन्वर्जन, और उनका आपस में एक दूसरे से जो कन्वर्जन का प्रोसेस है वो बयान करना है। सॉलिड लिक्विड गैस, ये स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। व्हेन सॉलिड फॉर्म ऑफ आइस इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड इट फॉर्म्स लिक्विड वाटर। व्हेन दिस वाटर बॉयल्स हीट्स देन इट कन्वर्ट्स इनटू वेपर्स इज गैस फॉर्म। जब हम बर्फ़ को मेल्ट करते हैं तो वो पानी में तब्दील हो जाती है, और वो भी पानी जब उसको गर्म किया जाता है या उबाला जाता है तो वो वेपर्स में बुखारात बनकर गैस में तब्दील हो जाता है। आइस जो थी ये सॉलिड फॉर्म में थी, फिर से लिक्विड फॉर्म वाटर में कन्वर्ट किया गया, उसी वाटर को जब बॉयल किया गया तो वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। हमारा ये टॉपिक और लेक्चर कंप्लीट हो चुका है। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर नंबर 6 लाइट एंड साउंड स्टार्ट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फ़ी अमान अल्लाह।